ये सेमी फाइनल का मैन ऑफ द मैच है नीलेश सिंह। कठिनाइयां बहुत अधिक मिलेंगी जीत के मार्ग पर अगर हंसते हुए उनका सामना कर लोगे तो। अभी ये सारे इनाम है हम लोग खा रहे हैं, सारे इनाम हम लोग के हाथ में ट्रॉफी दे रहे हैं, हम लोग रुके रहिएगा वो सारे इनाम आप लोगों को दिए जाएंगे जितने अनाउंस हुए। पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के जो उप विजेता रही है कामाख्या ग्रुप, उनके कप्तान को अंकुर सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। देख पावे उप विजेता का जो इनाम है एक लोग के सहयोग में ट्रॉफी उप विजेता के आगे आप आइए, आप आइए, आप आइए। अंकुर सिंह जी कप्तान समाजी ग्रुप उप विजेता 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार इसको प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत ही अच्छा मैच आप लोगों ने खेला। लगातार मैं छोटे भाई अंकुर सिंह को धन्यवाद दूंगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का खेल बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी संख्या में इन्होंने बड़े बड़े हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को यहाँ पे आमंत्रित किया, सभी टीमों के लिए आमंत्रित किया इन्होंने और स्वयं बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा काम छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैचों को छोड़ करके उन्होंने यहाँ खेला। मैं यहाँ के खेल के बारे में इनका अनुभव कैसा है क्योंकि परिवार के है, हमारी विधानसभा के है, इससे भी इससे बढ़ जाता है। और पिछली बार बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ जिनमें मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला था, भारत वर्ष का बहुत ही सफल खेल महाकुंभ हुआ था, उस खेल महाकुंभ के क्रिकेट के विजेता ये अंकुर सिंह की टीम रही है। तो मैं जानना चाहूंगा आपका अनुभव कैसा रहा, आपने तो बहुत मैच खेला है लेकिन अपने होम ग्राउंड में खेल के आपको कैसा लगा, आपका कैसा अनुभव रहा। सभी आए हुए अतिथिगण को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नमस्कार कहना चाहता हूँ और ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है क्योंकि आप हर जगह से घर में आके क्षेत्र में ही खेल रहे हैं तो क्या मतलब है। तो ये टूर्नामेंट के लिए मैंने स्पेशल टाइम निकाला भैया आपका टूर्नामेंट खेल बहुत मजा आता है और सबसे बड़ी चीज़ मतलब पब्लिक इक्वल रहती है, ऐसा मेरे सपोर्ट में जो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है उसके सपोर्ट में वो लड़के रवि ने बहुत अच्छा बैठे ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, आने वाले मैचेस में और भी अच्छा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये होता खेल भावना अंकुर सिंह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और रवि की बल्लेबाजी की तहे दिल से प्रशंसा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अच्छा खिलाड़ी है। मैं धन्यवाद देता हूँ, बड़ी संख्या में पुरस्कार आप सब लोगों के लिए आया हुआ है, वो पुरस्कार भी हम देते हैं यही बुला के दे रहा हूँ, विजेता को भी दे दिया जाता है। अंकुर का ये आपका रिवाज भाई जी और इनके टीम का बुला लीजिए खिलाड़ियों को। कामाक्षी ग्रुप धीरज कृपया मंच पे आ जाए, क्रिस गेल कृपया मंच पे आ जाए, कामाक्षी ग्रुप से कामाक्षी ही ग्रुप से कामरान खान कृपया मंच पे आ जाए, कामाक्षी ग्रुप से कृपया चंचल मंच पे आ जाए, कामाक्षी ग्रुप से कृपया नितेश मंच पे आ जाए, कामाक्षी ग्रुप से ही कृपया रजत सिंह मंच पे आ जाए और कामाक्षी अभी मैडम से सुनिश्चित दे चल आई तो नहीं धरे बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए भाई फोटो खींचने वाले के लिए, फोटो तो खींचे एक साथ इकट्ठा मत हुए। रजत रजत कहाँ गए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है किस रजत का।
रुक जाइए, रजत का 500 रुपए का इनाम उस पे, और ये दूसरा है पीछे में कम से कम 100 लोग पूछ रहे कि लड़का कहाँ खुले जी। माइक ले लीजिए माइक गेल आ जाए ऊपर। साहब राम के ऊपर आ जाए। राम कृपया आप तो लगातार मैच खेलते रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बाहर भी खेलते हैं, यहाँ भी आप पहली बार आए हैं। आपने बस्ती का देखा है माननीय सांसद जी आज हम लोगों के मुख्य अतिथि हैं और हम सब लोग मिल करके आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने एक खेल महाकुंभ का आयोजन किया था, हिंदुस्तान में नंबर एक पे था और उसी को देख करके हम लोगों ने क्रिकेट का आयोजन किया। आपको कैसा महसूस हो रहा है कृपया मेरे दर्शकों के बारे में बताइए, मेरे दर्शक कैसे हैं? जो पुलिस का औरैया टीम की जो टीम जीती है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है और यहाँ क्राउड को बहुत मजा आया देख करके, बिकॉज यहाँ हर टीम को जो अच्छा खेला था उनका सपोर्ट कर रहा था। और इस टूर्नामेंट के बारे में बताऊँ तो बहुत ही जबरदस्त ये मैच चल रहा है और इस टूर्नामेंट को दुबई तक लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका बहुत सारे कॉल आया भाई हम लोग मैच देख रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट का बहुत नाम ऊपर हो गया, लेवल अच्छा बहुत ही है इसका और आई होप कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में इससे बड़ा लेवल जाएगा। बहुत धन्यवाद भाई आपको, हम लोग फिर मिलेंगे और आप लोग निश्चित रूप से ऐसे आते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें होती रहती है, एक खिलाड़ी है और दर्शक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश ये 1000 रुपए अंकुश सिंह कप्तान की तरफ से अपने बल्लेबाज के लिए आए हैं, नितेश सिंह के लिए सेमीफाइनल मैच के लिए। फिर गायब हो गए धीरज कमानी ग्रुप, धीरज सीरीज है ऊपर हेलो, अब मैं बुलाना चाहूंगा थाना की टीम से राजू, कृपया थाने से कृपया आ जाए, स्टेज पे आ जाए।
आइए फटाफट थाने के टीम, सत्य प्रकाश जी भी है, यस है, मोनू जी है, रवि यादव जी है, अजय जी है, सबका अरे ठीक है, हमारे कप्तान साहब तो मौजूद नहीं है। रवि यादव कृपया आ जाए। ये रवि के लिए 13,200 का इनाम है। और बीच बीच में आए हैं जब छक्के पर एकदम बॉलिंग में मैच का भी आप लेके जाइए। मैं आपको मैच कहा गया आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इनाम आपका है और 1100 रुपए मैन ऑफ द सीरीज। ये उपहारों की बरसात है आज रवि के ऊपर। मैन ऑफ द सीरीज भी, मैन ऑफ द सीरीज भी रवि यादव को मिला है। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में भी इनको 11,000 का पुरस्कार मिल जाएगा। रवि सबसे टापे है, इस नाते इनको निष्पक्ष रूप से मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार माननीय सांसद जी के हाथों। माननीय सांसद जी के द्वारा रवि यादव गोल्डन बैट भी इनको मिला हुआ है 246 रन के साथ। उसका भी पुरस्कार ये है। रवि आपने इतने पुरस्कार जीते और निश्चित रूप से आपने दर्शकों का मन मोहा लगातार आपने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। 11 छक्के एक मैच में, आज 12 छक्के और इतनी अच्छी गेंदबाजी करी। सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको लगा कैसे, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ पर खेल के? आपको भी करना, आपको भी करना भैया बोल रहे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। गोल्डन बाल अंकित चौधरी, सिद्धार्थ नगर से अंकित चौधरी है, जिन्होंने 26 बाल में शतक इसी मैदान में मारा है और उनका गोल्डन बैट है, गोल्डन बाल का अवार्ड उनको जाता है। अंकित चौधरी है कि नहीं, चले गए? हमको लगता है चले गए होंगे। अंकित उनको रख दीजिए, उनको प्रेसिंग कर दिया जाएगा। और आगे क्या है, जल्दी बुलाओ तो देर हो जाए। अंकित कहाँ गए? आगे बुलाइए। और खाना हरैया तुम्हें ढंग के हल्ला नहीं कर पा रहे। करेंगे करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत ये भी आपके लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित आजा भाई, अंकित ने मन मोहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट लगातार 11 तारीख से खेल रहे हैं ये और लगातार जीत रहे हैं। फाइनल के मुकाबले में पता है एक ही टीम जीतती है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत होनहार खिलाड़ी है। कहा गया गोल्डन बॉल, 9 विकेट लिया है इस लड़के ने। गोल्डन बॉल शानदार, बहुत बहुत बधाई आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका सबको पुरस्कार मिल चुका है, धुआंधाम पुरस्कार मिला।
मोनू आ जाए हरैया थाने से। यस सर। यस यस। तो फील्ड मिला भी नहीं क्या करेंगे, फील्ड तो जो लग गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी जिसने किया है, बहुत बहुत बधाई है साहब। सत्य प्रकाश आपका भी नाम है, आइए मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं और अपने बल्ले से भी और बॉल से भी बहुत अच्छा इन्होंने क्रिकेट खेला है, आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। नहीं का बहुत अच्छा अशोक आ जाओ, यस सर, बहुत बहुत आशीन ना भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे कौन है अभी? धर्मवीर, धर्मवीर वो कभी ले आओ, धर्मवीर ने भी अपने धर्म का निर्वहन किया, बहुत अपने खाने का मान इन्होंने बढ़ाया है। राजू, आपको बहुत बहुत बधाई है, देखिए गाना से बहुत अच्छा क्रिकेट आप लोगों ने खेला है, बहुत बहुत बधाई। अभी देखे वहाँ ग्रुप फोटो हो जाएगी दोनों, कृपया दोनों टीमें जाए ना अभी, क्योंकि ग्रुप फोटो होना है, यही पेपर में जाएगा, अगर संभव हो अंकुर जी, अंकुर सिंह जी है तो अपनी टीम को लेकर के कृपया मंच के सामने आ जाए। विजेता टीम के कप्तान से मेरा निवेदन है, रवि सबसे ज्यादा छक्के का इलाज भी अभी बाकी है, वो भी रवि यादव के, अभी रवि तो हमको बुला लेते, रवि कहाँ गया, कप्तान को पहले आ जाए, विजेता टीम की कप्तान को, अरे हमारे एक लाख एक हजार का पैस टीम को ये मिल रहा है, आप लोग ऐसे खेलते रहिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ढेर सारी 5100 और एक इनाम और 5100 रुपए का है, ध्रुव नारायण सिंह जी की तरफ से विजेता टीम के लिए। संभाल गए, कब संभाल गए, गिरने न पाए, आइए कहां गए भाई। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ढेर सारी शुभकामनाएं, लगभग सारे इनाम हो गए ना, क्या बाकी अभी? हाँ जरा कृपया अंपायर और कमेंटेटर मंच पे आ जाए, उनका पुरस्कार बीच में चल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका अंपायरों ने और हमारे कमेंटेटरों ने निभाई है, तो उनके लिए भी 5100 का इनाम है, आधा आधा इनाम, 2500 अंपायर और 2500 कमेंटेटर, ये आपस में बात लेंगे, 2500 अंपायर, हाँ कमेंटेटर और अंपायर, इसमें 5100 रुपए रखे हुए हैं, तो दोनों आ जाएंगे जो ठीक रहेगा। दोनों टीमें जो हैं, जो प्लेइंग 11 था, कृपया सामने खड़े हो जाओ, जिसको कप ना मिला हो, क्या आप लोग सामने प्लीज खड़े हो जाइए, प्लेइंग 11 वाले बच्चे जितने भी लड़के ये इनाम कमेंटेटर और अंपायर का जो इनाम है, अरविंद सिंह चेयरमैन की तरफ से आया हुआ, मैं उनको हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूँ, ये 5000 का इनाम उनकी तरफ से है, 2500 अंपायर और 2500 कमेंटेटर। जितने भी ये थाना जो विजेता टीम है, इसके जितने भी प्लेइंग 11 के खिलाड़ी थे, सामने कृपया खड़े हो जाए, लाइन से खड़े, जो अपना सीट
पीछे फील्ड में आ जाइए खिला यार। अरे बोला है तो अरे भैया सामने से हट जाएंगे तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हटो लोग जो ऊपर है बाहर अरे पवन पवन हाथ में उठाओ सब। अरे उठाओ ना हाथ में, थोड़ा हाथ में उठाओ, ऊंचाई हो जाएगा अब सही है। विजेता टीम के जो कप्तान अपने प्लेइंग 11 के साथ कृपया यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे टीम हटेगी कृपया आप अपने कप और खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे आ जाइए। जो उप विजेता टीम है उसके कैप्टन और प्लेइंग 11 के 30 खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए। एक सभी खिलाड़ी जो मैदान पे घूम रहे हैं, सभी जो दर्शक है कृपया हेलो हेलो जो उप विजेता टीम प्लेइंग 11 कृपया यहाँ पर आ जाए मंच के पास। माननीय सांसद जी से मेरा निवेदन है कृपया दर्शक एक मिनट के रुके रहे, बधाई से अपना बधाई तो दे दें कम से कम, और उप विजेता टीम के कप्तान कम से कम ट्रॉफी के साथ हम लोग साथ फोटो खिंचा लें। माननीय सांसद जी बोले भारत माता की, भारत माता की। शानदार मखौड़ा श्री रामजन महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अररिया के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अजय सिंह जी के द्वारा किया गया, और पिछले कई दिनों से सैकड़ों टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, 7 टीम, और आज फाइनल मैच सारपुर और थाना हरैया के मध्य खेला गया। दोनों टीमों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हरैया थाने की टीम विजेता घोषित हुई, सारपुर को विजेता घोषित हुई। मैं अपनी तरफ से आप सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार का आयोजन विधायक जी ने किया है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को, विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, अभी कुछ और खेल होने वाले हैं, उन सबको एक अवसर देने का काम, आने वाले समय में उनका भविष्य और उज्जवल हो, इस प्रकार का प्रयास माननीय विधायक जी ने किया है। मैं अपनी तरफ से आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज टोटल 64 छक्के लगे हैं सेमीफाइनल और फाइनल में, और हर छक्के पर अर्जुन सिंह जो प्रधान संघ के अध्यक्ष और प्रधान है हमारी, की उन्होंने हर छक्के पर इनाम दिया है कि कुल 32,500 रुपए के नाम सिर्फ एक चेक से निकला है। कितने हमारे दिया ध्रुवनारायण सिंह अकाउंट जो दिया, मुझे लगता है 25,000 से कम अरविंद सिंह ने नहीं दिया होगा, ऐसे वो तो दिया लगभग भाई महेंद्र सिंह ने, वही तो कह रहा 25,000 से कम महेंद्र सिंह जी ने नहीं दिया होगा, ऐसे तमाम। और ये जो विजेता का इनाम है ये राजभवन बस्ती की तरफ से अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी लेके आए थे, हालांकि मैंने सबको मना था, बहुत सारे स्पॉन्सर हमको कहे कि
ऑब्लाइज करने के लिए, हमने कहा बिल्कुल ऑब्लाइज नहीं होना है, मैं किसी की तरफ से कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ, तो कोई पैसा लिया नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि नहीं मैं देना चाहता हूँ, इस नाते पुरस्कार उपविजेता का पुरस्कार भी आया, तो ये सारे पुरस्कार आप सबको बहुत बहुत बधाई आपको, आप सब लोगों को। मैं बार बार सांसद जी कह रहा था कि पैसा पुरस्कार, देखिए पैसा पुरस्कार में जमीन आसमान का अंतर है, आपका हृदय प्रसन्न हो गया तो आप किस रूप में अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर पाएंगे, वो एक माध्यम होता है पुरस्कार। पुरस्कार बेशकीमती होता है, और आप सभी खिलाड़ियों को और विशेषकर दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज और मैं कहता हूँ कि पुरस्कार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपके जेब में आप देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जेब में पैसा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं अपने निजी जीवन में कि समय सबसे महत्वपूर्ण है, आपने जो समय दिया उस समय बेस कीमती है, पुरस्कार से भी कीमती समय है, तो सभी दर्शकों को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, आप सबका हृदय से धन्यवाद। चाहे हमारे हरिया थाने की चीन जीती, माननीय सांसद जी लगातार दो बार आ जाए, कल भी माननीय सांसद जी आए थे, सांसद जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं, आपसे सीख करके आगे बढ़ने का काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन हम सब के लिए रहता है, हम सब नौजवानों के लिए रहता है, एक प्रेरणा के रूप में रहता है, तो हृदय की गहराई से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने क्षेत्र अधिकारी महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि लगातार इतने दिन तक कोई रहेगा, बहुत अच्छा मैनेजर कोई होगा, तभी इतना अच्छा काम करते हुए और इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल करवाया। मैं अपने सीओ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, भाई शैलेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो स्टेशन अफसर हरैया के हैं, आप इतने दिन तक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम ने इतना अच्छा मैच, इतना अच्छा प्रदर्शन करके जीती है, और जो हमारी उपविजेता टीम है, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी है, उन्होंने भी तारीफ की है, तो निश्चित रूप से आपकी टीम को और आपके मैनेजमेंट को, आपके प्रबंधन को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे दुर्गेश पांडे जी छौनी के हमारे एसओ है, ये पूरे जिले के सबसे अच्छे एसओ का स्टेशन अफसर का अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो आप सब हमारे लोकप्रिय यहाँ के अधिकारी हैं, आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आपके पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, और जिस उत्साह के साथ पूरे दूर दूर से सभी हमारे जवान कोई वर्दी में और कोई बिना वर्दी के, और हमारी जो पहने हैं जो कांस्टेबल और जवान है, वो सारी बड़ी संख्या में अपने खिलाड़ियों को उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर छुट्टी यहाँ पर आई, उत्साह वर्धन किया, एक पारिवारिक भाव का परिचय सबने दिया, इसके लिए भी आप सब लोगों के मैनेजमेंट को प्रबंधन को मैं सलाम करता हूँ, आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल तक प्रतीक्षा करिए इस मैच का, और निश्चित रूप से इसके पहले ही माननीय सांसद जी फिर हर साल खेल महाकुंभ कराने का उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, हम लोगों से जितना सहयोग हो सकता है हम लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे, आपके मार्गदर्शन में हम लोग ऐसा आयोजन करते रहेंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये लगातार खेलों का आयोजन मखौड़ा धाम में है, 23 तारीख को मैराथन है, 24 तारीख को कबड्डी का कार्यक्रम है, 25 तारीख को वॉलीबॉल का कार्यक्रम है, 26 तारीख को कुश्ती का कार्यक्रम है, 27 तारीख को खो खो का कार्यक्रम है, और 28 तारीख को श्रृंगी डाली से लेकर मखौड़ा धाम तक बहुत अच्छी झांकी का कार्यक्रम है, 28 तारीख को मखौड़ा धाम में ही बहुत दिव्य और 5 लाख दीपों का दीपोत्सव का कार्यक्रम है। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि माननीय सांसद जी का ही कार्यक्रम है, अब सबको पता है कि लोकसभा चुनाव हम लोगों के आसन है, ये चुनावी बात नहीं, हम लोग चुनावी भाषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी आयोजन हम लोग ये कर रहे हैं वो सारे आयोजन माननीय सांसद जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, उनको समर्पित करके सारे आयोजन कर रहे हैं, और उनसे हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप प्रयास करिए कि समय समय पर आप अपना मार्गदर्शन दीजिए, हम लोगों को सलाह दीजिए कैसे हम सब लोग मिल करके आपके नेतृत्व में आयोजन कर पाए, इसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव प्रसारण को रो भाई घर, लाइव प्रसारण वाले अपने भाई को मैं हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक कोने में बैठ करके आपने जो काम किया उसके लिए मैं पूरी हरिया विधानसभा की जनता की तरफ से और जितने लोग जुड़े हुए थे आपसे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको हृदय से धन्यवाद। Thank you.